जाट नेता संजीव बालियान ने एक ऐसा कदम उठाया, जयंत चौधरी देख रहे होंगे तो मुस्कुरा जरूर रहे होंगे। संजीव बालियान ने कुछ इस तरह का रास्ता अपनाया, लोगों ने देखा तो जुबां पर बस यही बात आई, भला ऐसा कौन करता है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं, बीजेपी सांसद आरएलडी चीफ की सियासत के दबाव में आ गए। तो मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या किया, हमें इधर उधर की बात ना कर सीधे मुद्दे पर आना पड़ा। क्यों हमेशा ऐसा लगा कि बीजेपी सांसद संजीव बालियान आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की सियासत के दबाव में आ गए। सवाल उठने लगे, क्या पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय के दल में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी बसने लगे, जिसे बाहर निकालने के लिए जाट नेता संजीव बालियान को ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा, जिसे देखकर उनकी बड़ाई तो नहीं हो रही बल्कि बीजेपी की जमकर फजीयत हो रही है। वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो उस मुजफ्फरनगर से वायरल हुआ है जो इन दिनों बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। नदियों में पानी बढ़ने और क्षेत्र में बाढ़ के बाद जनप्रतिनिधियों के दौरे इलाके में शुरू हो गए। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वो फसलों को बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए खेतों में उतर गए। बनियान पहने बालियान जैसे ही खेतों में उतरे, उनके साथ चल रहे समर्थक भी उतर गए। वीडियो बनने लगा, चेहरे पर मुस्कान लिए बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने पर कई सवाल खड़े हो गए। आपदा के इस माहौल में सांसद के वीडियो पर सवाल उठाए जाने लगे। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो के साथ लोग सवाल उठा रहे हैं कि खेतों में फसल तो नहीं दिख रही, वोट की फसल काटने की जुगत जरूर दिख रही है, लोग बाढ़ से परेशान हैं और सांसद डिजास्टर टूरिज्म में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर सांसद समर्थक इन सवालों पर विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धान रोपाई वाले मामले की भी लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। बीजेपी सांसद संजीव बालियान के वीडियो को देखने के बाद इस सवाल उठाया जा रहा है, क्या खेतों में उतरने की प्लानिंग पहले से थी। इस पूरे मामले पर उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के कसौली गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। मामले की जानकारी सांसद को दी गई तो वो दल बल के साथ वहां पहुंच गए। जलमग्न इलाकों का दौरा करते समय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कपड़े उतार दिए, खेत में पानी के बीच पहुंचकर किसानों के नुकसान का आकलन किया। संजीव बालियान को ऐसा करता देख उनके साथ चल रहे लोगों ने भी कपड़े उतारे। वो खेत में सांसद का हाथ पकड़ चल रहे थे ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। साथ ही इस दौरान वीडियो बनने लगा, सबके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी के खादर क्षेत्र में बाढ़ का असर लगातार दिख रहा है। करीब 30 गांव के लोग बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को अपने मकानों की छतों पर डेरा जमाना पड़ा। लोग बाढ़ के पानी का उतरने का इंतजार कर रहे हैं। फसलें खराब हो गई, बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है। प्रशासन की ओर से बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत वितरण कार्य शुरू कराया गया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान बाढ़ग्रस्त इलाकों में जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित दुधली और बुढ़ा खेड़ा गांव का दौरा किया। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं थे, सड़क टूट गई थी, कई फीट पानी भरा होने के कारण सांसद को पैदल चलना पड़ा। कुछ दूर तक वो ट्रैक्टर की मदद से गए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल यही है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। मगर पानी ठंडा रहे जी।